नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बुआ बिचिया में नीतू महाराज द्वारा कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों का सम्मान किया गया, जिसमें भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान बिचिया पत्रकार संघ के सुनील नामदेव, राजेंद्र रावत, यशवंत बजाज, सोनू अग्रवाल, अजय चौरसिया, प्रफुल्ल तिवारी, शाहिद मंसूरी मौजूद रहे। पुनहाना में लिंग जांच और गर्भपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी छापेमारी की। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक भेजकर शगुनत अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करने के साथ ही अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बहराइच में जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर चोरी छुपे नकली सरसों का तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान भारी मात्रा में नकली तेल सहित कंपनियों के रैपर और टीन बरामद करते हुए एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सूचना पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ये कार्यवाही की। छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कांकेर जिले के स्थानीय शासकीय उच्चतर नरहरदेव माध्यमिक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत, शिक्षा और लगन के साथ छात्रावास में रहकर अच्छे मित्र बनकर शिक्षा के साथ अन्य कार्यों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। गाजीपुर में नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर के तत्वाधान में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। सप्तम स्वामी विवेकानंद के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण भी किया गया। दमोह में वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने नया बाजार मांगज वार्ड 3, 4 और 6 में प्रधानमंत्री आवास अधिकार पत्र वितरित किए। इस दौरान मलैया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। जिनके पास मकान के लिए जमीन नहीं है, उन्हें जमीन के लिए भी पट्टा मिलेगा। दमोह में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने मुख्य नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट सोशल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उपासना ट्रस्ट के द्वारा जांच रोल एपेरल एवं अंतर्गत निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। बक्सर के डुमराव में समीक्षा यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हुए हमले के बाद जदयू के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि इस घटना के बाद उनका बयान शक पैदा करता है। इस बारे में आरोप को गलत ठहराया जाता है, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी निंदा की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की राजनीति में गर्माहट लाने वाले लखनऊ में विधान भवन के सामने आलू फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कन्नौज में समाजवादी युवजन सभा के 2 कार्यकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है और ये कहा है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद घटना के लिए समाजवादी पार्टी की साजिश बताई जा रही है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के मुताबिक दिसंबर के दौरान खुदरा महंगाई नवंबर में 4.86% के स्तर से बढ़कर 5.21% पर पहुंच गई है। हालांकि केंद्र सरकार को इस बारे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में राहत के आंकड़े मिले हैं। इसके बाद दर्ज किए गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साल पिछले साल नवम्बर की तुलना में इस बार 8.4% की वृद्धि हुई है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।